हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि मोटो E13 फ़ोन में आप लोग ऑटो अपडेट ऐप्स को कैसे बंद कर सकते हो। अगर आपके पास एक मोटो E13 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को ऑटो अपडेट ऐप्स को बंद करना है, आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन अपडेट हो रहे हैं, यहाँ पर जो आपका इंटरनेट जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है गाइस, प्ले स्टोर से ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन अपडेट हो रहे हैं, तो कैसे आप लोग इस ऑटो अपडेट ऐप्स को ऑफ कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑटो अपडेट ऐप्स को ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के एक प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देख सकते हैं आप प्ले स्टोर, तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की तरफ एक जीमेल प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, तो इस जीमेल प्रोफाइल में क्लिक कर दीजिए। जीमेल प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गाइस नीचे, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नेटवर्क प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस नेटवर्क प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे गाइस, यहाँ पर से बीच वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हो ऑटो अपडेट ऐप्स लिखा हुआ है, तो इस ऑटो अपडेट ऐप्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से तीन ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में ऊपर के इन दो ऑप्शन में सेट है जैसे कि ओवर एनी नेटवर्क और ओवर वाईफाई ओनली, तब क्या होगा गाइस, जब भी आपके फ़ोन में डाटा ऑन होगा या वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा आपका फ़ोन, तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन अपडेट होते रहेंगे। आप लोगों को इसको सेट करना एकदम लास्ट में, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका जो ऑटो अपडेट का जो यहाँ पर ऑप्शन था वो यहाँ पर से ऑफ हो गया है। अभी आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने मोटो E13 फ़ोन में ऑटो अपडेट ऐप्स को ऑफ कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।